नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड संख्या 20 में नीचे बाजार दासपारा के समीप हो रहे पीसीसी सड़क निर्माण कार्य स्थानीय लोगों के द्वारा नहीं बनाने दिए जाने पर दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय में लिखित शिकायत आम नागरिकों द्वारा एक हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन दिया गया। वहीं चिरकुंडा थाना में भी इस विषय को लेकर के स्थानीय लोगों द्वारा हस्ताक्षरयुक्त प्रति चिरकुंडा थाना को दिया गया, जिस प्रति में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि चिरकुंडा नगर परिषद योजना संख्या 8/2024-25 के तहत मोहम्मद कलाम के घर से दसपारा रोड तक लगभग 500 फीट पीसीसी पथ का निर्माण कार्य करने की अनुमति मिली है। इसके बाद पीसीसी पथ निर्माण कार्य मार्ग में स्थित सरकारी जमीन को कालू खान, जावेद खान, बाबर खान एवं राजा खान द्वारा सड़क निर्माण कार्य जो होना था SCPC से सड़क निर्माण को रोक दिया गया। इन सभी लोगों में कुतुबुद्दीन खान ने कहना कि जिस जमीन पर पीसीसी सड़क का निर्माण होना है, यह जमीन इन लोगों का रजिस्ट्री जमीन है। अपने रजिस्ट्री जमीन पर पीसीसी सड़क का निर्माण हम लोग क्यों होने दें? क्या कुछ कहेंगे? झमेला हुआ आपके जमीन के लेकर? हाँ, इसलिए कि जो सरकारी रास्ता है वो सरकार का काम है, सरकारी अमीन भेज के वो रास्ता को निकलवाने का, ठीक है। किसी का पर्सनल जमीन का आप अपना सुविधा के लिए चाह रहे हैं कि हम उसको सरकारी बनवा दे, तो ये है उचित बात? बोलिए, ये कौन सा जगह है? ये चिरकुंडा नीचे बाजार है, दासपारा दास। और एक कट्ठा जमीन लिया है, दो दो कट्ठा चाह रहा है कि हम दूसरा के कैप्चर कर लें। जो जो खुद सरकारी रास्ता खोज रहा वो खुद सरकारी जमीन पर ही घर बना के बसा हुआ है, उसको जाँच किया जाए कि सरकार का जमीन है, कहाँ सरकारी रास्ता खोला जाए। पर्सनल जमीन को सरकारी जमीन बनाया जा रहा, ये तो गलत बात है ना। पूरा समाज को उठा के भड़का के दंगा करवाने के फिर किया जा रहा है, दूसरा का पर्सनल जमीन को ही लोग बोल रहा सरकारी जमीन है, यही तो बात हो रहा है यहाँ पर ही। और एक कट्ठा जमीन लिया है तो वो चाह रहा है कि हम पूरा चिरकुंडा को ही कैप्चर कर ले। ये सब का जाँच किया जाए उचित जात, जो सरकारी है सरकारी रहेगा, जो पर्सनल है पर्सनल रहेगा। हमारा ऑलरेडी कागज है, हम अपना कागज दिखाएंगे। सरकार का काम है सरकारी अमीन आवे या जांच करे, यही हमारा कहने का ही है। क्या नाम है? हमारा कुतुबुद्दीन खान नाम है। वही स्थानीय लोगों का कहना है, सरकारी जमीन को अपनी जमीन बताकर सड़क निर्माण कार्य को रोक रहे हैं। वही स्थानीय तौफीक खान ने कहा, उनके ही पिता गयाजुद्दीन खान से हम लोगों जमीन खरीदे हुए हैं, नक्शा में 7 फीट का रास्ता दिए हैं, अब ये लोग रास्ता देने से इनकार कर रहे हैं। इस बस्ती में सड़क के लेके झगड़ा है। अगला पार्टी का कहना है कि रेती प्रॉपर्टी है, रास्ता नहीं हो सकता है। क्या कुछ कहेंगे? कहना यही है कि जमीन तो उन्हीं का बाबूजी बेचे हैं, 7 फुट रास्ता लिखा हुआ है और गवाही में उनका जीजा है नजरमाम जो लाढ़ी वाला है, और पेपर भी देख सकते हैं, ये देखिए पेपर का नक्शा भी है। तो फिर विवाद कैसे उत्पन्न हो रहा है? ये बात वो लोग जबरदस्ती वाला बात बोलता है कि नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पैदल चलने देंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम तौफीक हुआ। वही शमशाद खान ने कहा, उनके पिता गायतुद्दीन खान से जमीन खरीदने हैं और इनको 4 फीट का रास्ता नक्शा में दिया हुआ है, अब ये लोग रास्ता देने से इनकार कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? आपको भी रास्ता मिला हुआ है? हाँ, हमको भी मिला हुआ है रास्ता, मेरा 4 फुट रास्ता लिखा हुआ है। रजिस्ट्री से मैंने उन्हीं से कराए? हाँ हाँ, उनके पिताजी से करवाए हैं रजिस्ट्री। क्या नाम था उनका? गासुद्दीन खान नाम था। गवाह में कोई है अभी? हाँ, गवाह में सनवर खान है, तो अभी तो यहाँ नहीं रहते हैं, जो उस टाइम रजिस्ट्री में है। और एक और आदमी है सुनेज करके खानवा जैसे, वो है, उनको बुला सकते हैं। मेरे पास पेपर है, सब अवेलेबल है। अब पूरा पर्चे? मेरा शमशाद खान। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एकमत होकर इन चारों के विरुद्ध नगर परिषद कार्यालय में चिरकुंडा थाने में लिखित आवेदन दिया कि ये कार्य अन्यत्र ना चला जाए और यहां के लोगों के लिए सड़क निर्माण का कार्य हो, इससे करीबों 2000 से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे, जिसके लिए नगर परिषद के अधिकारी व स्थानीय प्रशासन सक्रिय होकर यह सड़क निर्माण कार्य कराए। इस पूरे मामले में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विजय हसदा से इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद के जेई के टीमों द्वारा पूरे कार्य और कार्यस्थल का निरीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद वहां जो भी समस्याएं सड़क निर्माण में आ रही है उसे दूर किया जाएगा और सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा। वही इस पूरे प्रकरण को लेकर दासपारा में दो पक्ष आपस में जमकर भिड़े व लड़ाई किया।
वहीं सड़क बनाने से रोकने वाले पक्ष के द्वारा पारंपरिक हारवे हथियार लाठी डंडा से लैस होकर सड़क निर्माण करने वाले पक्ष के ऊपर गाली गलौज व ललकारने ने जैसी कार्य को किया, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा चिरकुंडा थाने को भी दी गई। दसपाड़ा के वही कुतुबुद्दीन खान का कहना है, ये जमीन हम लोगों का निजी है, रजिस्ट्री किया हुआ है, इसका नक्शा भी है, तो अपने जमीन पर पीसीसी सड़क निर्माण क्यों होने देंगे। वहीं स्थानीय महिलाओं पुरुष में सुभाष का कहना है कि इसी रास्ते लगभग 50 साल से हम लोग आना जाना कर रहे हैं। बंगाली पड़ाहों के लोग दास पांडा के मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं, इसी रास्ते छठ पूजा करने लोग आते रहे हैं। सरकार का जो रूल है उसके मुताबिक उचित कार्रवाई होना चाहिए और हम लोगों को रास्ता मिलना चाहिए। ये रास्ता क्या झमेला है जी, कितना दिन से? देखिए, हम लोग जब से आए हैं यहाँ से करीब करीब 50 साल हो गया। हम लोग बाल बच्चा अपने बाप दादा के समय से इस रास्ता से आते हैं जाते हैं। रास्ता चालू होना चाहिए। इसके बाद इन लोगों का क्या मैटर है, इससे हमको कोई लेना देना। अगर सरकारी रूल में है मेरे हिसाब से तो उसको दिया जाए। 50 साल करीब करीब हो चुका है हम लोग को रहते हुए यहाँ पे, और इसी रास्ता से हम लोग बाल बच्चा सब गुजरता है, ताकि हमारा बाल बच्चा लोग जो है मंदिर है पूजा पाठ करने के लिए लोग आता है, उस पाड़ा से भी इस पाड़ा, उन लोग बूढ़ा बुजुर्ग लोग है, छठ है, मंदिर है, सब कुछ है, मंदिर का रास्ता है, अभी मंदिर का रास्ता में है, इस पर थोड़ा सा ध्यान किया जाए। हम किसी से कुछ मांगते नहीं है, लेकिन जो उचित है वो हमको दिया जाए, मेरा कहना इतना ही है। सुभाष गोल। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है, ये जमीन सरकारी है, इस पर पीएससी सड़क निर्माण होना चाहिए, समय रहते इस जमीन का नापी करना चाहिए, जिससे क्षेत्र में शांति कायम रहे, नहीं तो आने वाले समय में किसी भी दिन यह जमीन रणभूमि में तब्दील हो सकता है, साथ ही किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।